Hey everyone and once again welcome to WSQ Tech, myself Umar Tasqeer. तो हम लोग प्रैक्टिकली अब लैंडिंग पेज बनाना सीखने वाले हैं, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि किन किन चीजों की हमें जरूरत है, राइट? जब भी हम, क्योंकि ये पूरा जो कोर्स है ये प्रैक्टिकल है, शुरुआत में हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह सीखे, अब जो आगे आप जितने भी वीडियोज देखोगे, ज्यादा वीडियोज आप देखोगे वो सारे प्रैक्टिकल वीडियोज हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जिन जिन चीजों की हमें जरूरत है, राइट, वो मैं आपको बता देता हूँ, या जिस तरीके से जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं काम करूंगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पैरेलली आप इन चीजों को डाउनलोड कर सके तो आप इन चीजों को डाउनलोड कर ले, राइट? तो लैंडिंग पेज क्रिएशन के स्टार्ट में हमें क्या चाहिए होगा, हमें वर्डप्रेस चाहिए होगा, राइट? वर्डप्रेस इज अ सीएमएस जो हमें चाहिए होगा, जो नॉर्मली आप डाउनलोड कर सकते हैं वर्डप्रेस.org से, और उसके बाद आप इसको सेटअप कर सकते हैं। अगर सेटअप करने में इसको आपको प्रॉब्लम है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जा सकते हो, वहां पर वर्डप्रेस की सीरीज है, उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से आप वर्डप्रेस को सेटअप कर सकते हैं, तो सारी चीजें आप देख सकते हैं। उसके बाद जब आपको वर्डप्रेस सेटअप हो जाएगा, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कौन सी थीम को यूज करना है, हमें WP ओशन थीम को यूज करना है। आप कोई दूसरी थीम भी यूज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, बट मैंने क्योंकि WP ओशन थीम सेटअप कर दी है यहाँ पर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी अगर, क्योंकि आपको पैरेलली सीखना है सारे ऑप्शंस जो मेरे थीम में जिस टाइप के ऑप्शंस होंगे, फिर अगर आपको बाद में लगेगा कि ऑप्शन हमारी थीम में नहीं दिख रहा है, राइट, आपको अगर आपकी थीम में नहीं दिखेगा जो आपने दूसरी थीम ले ली, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि आप WP ओशन थीम जो है उसको सेलेक्ट कर लें, वर्डप्रेस की थीम को सेलेक्ट करके उसको डाउनलोड कर लें और एक्टिवेट कर लें। उसके बाद जो आपको एक प्लगइन चाहिए होगा, राइट, वो पेज बिल्डर है हमारा, फ्री प्लगइन आपको चाहिए होगा एलिमेंटर, इससे हमारा सारा काम हो जाएगा, हमें पेड की जरूरत नहीं है, फाइन। तो मैं आपको ये सारी चीजें दिखा देता हूँ गाइस। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास ये एक डोमेन है pythontraining.com जो बिल्कुल फ्रेश है, यहाँ पर वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल्ड है, और ये WP ओशन थीम है, अगर आप यहाँ पर देखो, राइट, तो WP ओशन थीम यहाँ पर आपको दिख रही है, एंड मैं यहाँ पर आता हूँ एक बार डैशबोर्ड में, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से किस तरीके से आपको थीम और ये सेटअप करना है, राइट, थीम और जो एलिमेंटर हमारा पेज बिल्डर है ये आपको सेटअप करना है, दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड, इसके बिना आप काम नहीं कर सकते, थोड़ी सी जरूरी चीज है जिसको आपको करना ही पड़ेगा, फाइन। तो क्योंकि मैंने भी ऑलरेडी इसी तरीके से कर रखा है, तो अगर आप भी यही चीज करेंगे तो जो स्टेप्स मैं करूंगा बेसिकली वो स्टेप को एग्जैक्टली आप फॉलो कर पाएंगे, और उसमें आपको फिर कोई किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होगा, यहाँ पर सर ने यहाँ पर क्लिक किया, ये ऑप्शन तो हमें दिख नहीं रहा, राइट, सो यू गॉट इट, राइट, तो हम लोग थोड़ा सा सिंक रहेंगे। तो यहाँ पर आप देखो मैं डैशबोर्ड में आ चुका हूँ, बस सीधे आपको अपीयरेंस में जाना है, अपीयरेंस थीम में जाना है, तो आप देखोगे बाय डिफॉल्ट आपकी जो थीम होगी उसके साथ कुछ और यहाँ पर थीम दिखाई देंगी, इन सबको कुछ नहीं करना है, हमें सीधे यहाँ पर एड न्यू पे जाना है, और यहाँ पर एड न्यू पे जाने के बाद हमें यहाँ पर WP ओशन सेलेक्ट कर लेना है, राइट, WP ओशन हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और ये आपको दिखेगी यहाँ पर, ठीक है, ये पहली वाली आपको थीम दिख रही है, राइट, इसी को आपको एक्टिवेट कर देना है, दैट्स इट, राइट, ये ऑलरेडी देख रहे हो आप इंस्टॉल्ड है, बस आपको इसी को एक्टिवेट कर देना है, आपकी WP ओशन थीम यहाँ पर हो जाएगी, फाइन। तो ये हमारी WP ओशन थीम है, और इसके बाद आपको क्या करना है, मैं वापस एक बार यहाँ पर आता हूँ लेफ्ट साइड में, जो आपको ये पूरे ऑप्शन यहाँ पर दिखता है, WP ओशन थीम इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर आना है प्लगइन्स में, और प्लगइन्स में आने के बाद आपको जाना है एड न्यू प्लगइन के ऊपर, राइट, एड न्यू प्लगइन के ऊपर आपको जाना है, तो ये दो चीजें आप कर लीजिएगा, साथ ही साथ कर लीजिएगा, और यहाँ पर हमें सेलेक्ट कर लेना है एलिमेंटर, ओके, यहाँ पर हम लोग एलिमेंटर सेलेक्ट कर लेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर आपको एलिमेंटर दिख जाएगा, दिस इज द एलिमेंटर पेज बिल्डर, वेरी फेमस, आप देखो अगर यहाँ पर तो इसकी रेटिंग्स वगैरह आर टू गुड, राइट, तो ये आपको एलिमेंटर पेज बिल्डर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर देना, दैट्स इट। तो अभी अगर मैं इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे अपने आ जाऊं तो आपको यहाँ पर एलिमेंटर दिखाई देगा, राइट, तो इस क्लास के पैरेलली आप इन चीजों को सेट करते हैं, और ये देखो अभी फ्री वर्जन है, ये GoPro जो है यहाँ पर आपको दिखा रहा है, राइट, GoPro यहाँ पर आपको दिखा रहा है, बट हमें यहाँ पर पेड नहीं लेना, फाइन। उसके बाद जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि हम बनाने क्या जा रहे हैं, एक्चुअली हम बनाने जा रहे हैं लैंडिंग पेज, राइट, हम क्या बनाने जा रहे हैं, लैंडिंग पेज, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर आप देखो मैं आ जाता हूँ पेज के ऊपर, और प्रैक्टिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक पेज बना देता हूँ, राइट, क्योंकि हो सकता है गाइज कि ये आपका डोमेन है, इसके ऊपर आपके और भी बहुत सारे पेजेस हों, राइट, ये आपकी पूरी वेबसाइट हो, आप अपना पेज भी यहीं पर रखना चाहते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं एक नया पेज यहाँ पर बना देता हूँ, जैसे इस नए वाले पेज का जो नाम है वो है हमारा लैंडिंग पेज प्रैक्टिस, राइट, मैंने ऐसे ही रैंडम सा नाम रख दिया इसका,
लैंडिंग पेज प्रैक्टिस, और इस पेज को हम लोग कर देते हैं यहाँ पर पब्लिश। इस पेज को हम लोगों ने पब्लिश कर दिया, राइट। तो इसी पेज के ऊपर हम बाकी सारी चीजें सीखने वाले हैं। और मैं व्यू पेज एक बार करता हूँ यहाँ से, और पब्लिश हो चुका है ये, राइट। अब जब व्यू पेज आप कर रहे हो तो देखो मैंने आपको क्या दिखाया था, आप देख रहे थे कि मैंने बहुत सारे आपको एग्जांपल्स दिखाए थे लैंडिंग पेज के, जहां पर आप देख रहे थे कि ये इस टाइप की कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं थी आपके सामने, ना ये ब्रेड क्रम्स दिख रहे थे, ना ये टाइटल यहाँ पर दिख रहा था, ना ये सारी चीजें दिख रही थी पाइथन ट्रेनिंग जोधपुर, ना ये चीज दिख रही थी, ना ये ऊपर जो ये हेडर्स हैं, नीचे जो फुटर है यहाँ पर जो ब्रांडिंग फुटर है, ये सब कुछ भी नहीं दिख रहा था, ये राइट में भी कोई चीज नहीं दिख रही थी। तो इन सारी चीजों को हम क्लीन करेंगे, राइट, और वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी अगर आप पैरेलली कर रहे हैं, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसमें कोई भी आपका कोई भी पैसा नहीं लगना है, राइट। आप केवल जो है आप लोकल होस्ट के ऊपर भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको लैंडिंग पेजेस बनाने नहीं आते हैं तो पैरेलली अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी, बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिकली आप सीख जाएंगे। आप देख लेंगे ये जो प्रैक्टिकल पार्ट है ये देखने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। तो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो के हिसाब से आप इन चीजों को सेटअप कर लें, और अगर आपको वर्डप्रेस सेटअप करने में प्रॉब्लम हो रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको जो है हमारे WsCubeTech, अगर आप YouTube चैनल के ऊपर जाएंगे और वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का एक वीडियो है, बल्कि वर्डप्रेस की पूरी एक प्लेलिस्ट है, तो वहां पर जाके आप पहला और दूसरा वीडियो देखेंगे तो आपको एक क्लियरिटी हो जाएगी कि जो वर्डप्रेस है उसको सेटअप किस तरीके से करेंगे लोकल होस्ट, राइट। तो गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, वो ये है कि यहाँ पर जो ये आपको ये सारी चीजें दिख रही है, राइट, ये सारे एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं लैंडिंग पेज में, तो हमें ये सब क्लीन चाहिए, तो उसको देखेंगे हम किस तरीके से इसको क्लीन कर सकते हैं, बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं, और फिर किस तरीके से एलिमेंटर के थ्रू हम इसको एडिट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।